हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसकेजी ज्ञान ज्योति के ऐप के लाइव क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्लास जो है सिद्धू कानू एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 का जो सेट पेपर है स्पोकन इंग्लिश, उसी के रिगार्डिंग ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास मैंने दे चुका हूँ, जैसे कि आपको सिलेबस भी मैंने पहले यूट्यूब पर डाल दिया है, ऐप पर भी डाला हुआ है आपका सिलेबस। और इस सिलेबस में आप जो है देखकर समझ सकते हैं। अभी तक आपने अगर सिलेबस नहीं देखा है तो सबसे पहले यूट्यूब पर कंप्लीट सिलेबस एक पेपर स्पोकन इंग्लिश का आप देख लीजिए, ठीक है। सिलेबस देखने के बाद आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आखिर कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, इसकी वीडियो मैं आपके यूट्यूब चैनल पर और अपने ऐप पर डाल चुका हूँ, आप वहां जाकर इस वीडियो को देख लें। इसके नोट्स भी डाले जा चुके हैं। अब हमारा यूनिट 2 में, यूनिट 1 का जो दूसरा पार्ट है 7 CS ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स के जो है 7 तरीके, ठीक है, 7 CS यानी 7 CS स्किल्स जो है कम्युनिकेशन स्किल्स के, वो क्या क्या है आज हम लोग इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसको शुरू करें इसके पहले हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जान लीजिए। कम्युनिकेशन स्किल्स है क्या? कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब होता क्या है, ये शब्दों से बना हुआ एक मैसेज होता है, ठीक है। हम लोग अपनी बातों को, ठीक है, मैसेज को जो पहुंचाते हैं शब्दों से मिलकर बनता है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स के जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, हम लोग दिन भर में जो 24 घंटा होता है ना, तो 8 घंटा 9 घंटा सोते हैं, बाकी दिन भर बाकी जो हमारा समय बच जाता है ये कम्युनिकेशन, हम लोग कम्युनिकेट ही करते हैं, बातचीत करते हैं, चाहे घर में करें, मैसेज में करें, व्हाट्सएप में करें, ईमेल में करें। तो कम्युनिकेशन स्किल्स वह स्किल्स है, अगर आपको ये स्किल्स आ गए तो आप अच्छी तरह से बातचीत कर सकते हैं, अपनी मैसेज को दूसरे तक जो पहुंचाते हैं वो मैसेज जो है इतना प्रभावकारी होता है कि आपको रिजल्ट लेके आता है। तो ये स्किल्स बहुत ही कमाल का स्किल्स है, जिसके बारे में आज कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आपसे चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आज हम चर्चा करेंगे आपसे 7 CS ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या चर्चा करेंगे हम लोग आज? एक मिनट स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज 7 CS क्या चर्चा करेंगे, 7 CS ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स के वो 7 हथियार क्या है जिसको कि हम इस्तेमाल करके अच्छी तरह से हम अपने कम्युनिकेशन को, अपने मैसेज को जो दूसरे तक दिन भर में हम 15 घंटा करते हैं, वो अच्छी तरह से वहां पहुंचे और वो रिजल्ट लेकर आए, वो मैसेज को हमारा समझे और जिस मैसेज से हम लोग बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उस मैसेज का रिजल्ट है। तो 7 CS में सबसे पहला है क्लियर, क्लियरिटी। क्या है? सबसे पहले क्लियरिटी, ठीक है, सबसे पहला है क्लियरिटी, ठीक है, क्लियरिटी, ठीक है। दूसरा है शॉर्ट, आपका मैसेज शॉर्ट। तीसरा स्किल्स है जो आपको आना चाहिए सॉलिड, क्या होना चाहिए तीसरा स्किल्स? सॉलिड। चौथा करेक्ट, चौथा क्या होना चाहिए? करेक्ट, आपका जो कम्युनिकेशन का जो मैसेज होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। पांचवा कंसिस्टेंट, क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट, हम इसके बारे में अभी आपको अगले क्लास में समझाएंगे,
अभी आपको थोड़ा सा आप समझ लीजिए खाली कि होता क्या है, इसके बारे में शॉर्ट आपके दिमाग में डाल देंगे। उसके बाद आप सिक्स नंबर में आएगा आपका कंप्लीट, कंप्लीट। और सात नंबर में आता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पोलाइट। ये 7 स्किल्स है जो आपको कम्युनिकेट करने में पूरी तरह से मदद करेंगे। ये स्किल्स अगर आप किसी से भी बातचीत करते हैं, चाहे ईमेल लिखते हैं, चाहे आप किसी को मैसेज लिखते हैं, चाहे कुछ भी लिखते हैं, ये स्किल्स अगर आप इसको क्लियर करते हुए कि आप किसी को भी कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट में क्या करते हैं, हम लोग शब्दों से वाक्य बनाते हैं, वाक्य से हम उससे संवाद करते हैं, चाहे वो मैसेज के द्वारा हो। और आपको हम बता देते हैं, आपको 5,000-6,000 से ज्यादा शब्द नहीं आते होंगे, और उस 6,000 वर्ड को ही हम उपयोग करके कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग डेली उपयोग करते हैं, ऐसे ही वर्ड होते हैं जिसको कि हम लोग डेली यूज करते हैं। उस 6,000-5,000 जो आपके वर्ड्स है उसी को, तो उस वर्ड्स में उस जो हम वर्ड्स को जोड़ के जो मैसेज बनाते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं, वो 7 CS क्या है। तो 7 CS में सबसे पहला है क्लियरिटी। आपका जो मैसेज होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, जो है अगले अगले को समझ में आए, ठीक है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, क्लियरिटी में क्या लिखेंगे हम, क्लियरिटी में क्या लिख सकते हैं, क्लियरिटी में लिख सकते हैं हम कि जो है बी क्लियर। मैसेज क्या होना चाहिए, बी क्लियर द गोल पर्पस ऑफ योर मैसेज। जो आपका मैसेज का जो गोल है, जो आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपके मैसेज का जो गोल है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो क्लियरिटी में क्या एक वर्ड आ गया, गोल, ठीक है, इसका मैसेज का, मैसेज का। हम लोग कम्युनिकेट किसके द्वारा करते हैं, मैसेज के द्वारा ही करते हैं। तो मैसेज का जो गोल होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, ताकि क्या हो, अगले वाला को, अगले को समझ में आए, अंडरस्टैंड हो। आ रही है मेरी बात समझ में आपको, आ रही है तो यस लिखिएगा। और एक बार में एक ही बात बोलना चाहिए, ना कि एक ही बार में हम 10 तरह का अपने वाक्यों को बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट वन आइडिया एट ए टाइम, वन आइडिया एट अ टाइम। जो आपको हम ऐप पर नोट्स दिए हैं उसी को हम समझा रहे हैं, क्लियरिटी को ही समझा रहे हैं, ठीक है। आपको जो ऐप पर जो नोट्स दिया गया है 7 CS के बारे में, उसी को समझाया जा रहा है कि 7 CS में पहला है क्लियरिटी। क्लियरिटी में क्या होना चाहिए, आपका जो मैसेज का जो गोल होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं, घुमा फिरा के आपको नहीं बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट, आपका मैसेज हमेशा क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इससे क्या होता है, अगले अगले को समझने में सुविधा होता है, ठीक है। आपका मैसेज शॉर्ट होना चाहिए। चलिए अगला आते हैं, तो सामने नोट्स रखे हुए हैं सामने, उतना तो माइंड में नहीं आता है। इसमें क्या लिखना है, पहले हम जो नोट्स डाला हुआ है वहां पर लिखा हुआ है स्टे द पॉइंट। कहां पर रही है, शॉर्ट में क्या लिखना है आपको, स्टे द पॉइंट, पॉइंट पर रही है, ठीक है। एंड कीप इट शॉर्ट, अपने मैसेज को क्या रखिए, शॉर्ट रखिए एंड सिंपल। तो इसमें याद रखिए, एगो रख लीजिए पॉइंट, याद रख लीजिए एगो वर्ड हो जाएगा इसको लिखने के लिए, पॉइंट एगो शब्द याद रख लीजिए, शॉर्ट एंड सिंपल, एंड सिंपल। यही नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स में क्या लिखा हुआ है, स्टे द पॉइंट एंड कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। डू नॉट यूज अननेसेसरी वर्ड्स, जो वर्ड्स की जरूरत नहीं है उसको आप उपयोग ना करें। ये आप सेमेस्टर 3 का जो है नोट्स में ये डाला हुआ है, ठीक है, क्लियर। डू नॉट रिपीट, शॉर्ट में फिर ये भी लिख सकते हैं, डोंट रिपीट सेम वर्ड, सेम वर्ड, एक ही बातों को, एक ही शब्दों को बार बार रिपीट ना करें, शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद आता है सॉलिड, ठीक है, आपका मैसेज जो होना चाहिए क्लियर होना चाहिए। सॉलिड में क्या लिखना है, लिखा हुआ है बी क्लियर, जो आप नोट्स पढ़ेंगे वहां लिखा हुआ है बी क्लियर, आपका मैसेज जो है ऐप पर जो नोट्स डाला गया है उसमें लिखा हुआ है सॉलिड में बी क्लियर, आपका नॉट थैंक यू मतलब कि इधर उधर उलझाने वाला नहीं होना चाहिए। मेक श्योर दे आर इनफ डिटेल टू मेक इन मैसेज क्लियर बट नो सो मच दैट द रिसिपिएंट बिकम कंफ्यूज एंड द मैसेज इज फैक्चुअल, ठीक है। इसमें यहां लिखा हुआ मेक श्योर दे आर इनफ डिटेल, जो भी आप सॉलिड मैसेज में सॉलिड में लिखना है कि मेक श्योर आपने जो मैसेज लिखा है या आप जो बोलने जा रहे हैं ठीक है वो क्लियर है कि नहीं। ऐसा नहीं कि जो सुनने वाला है जो रिसिपिएंट, रिसिपिएंट मतलब क्या हो गया यहाँ पर सुनने वाला कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। इसके बाद आता है करेक्ट, करेक्ट में आपका नोट्स में लिखा हुआ है चेक द इंफॉर्मेशन यू आर गिविंग एक्यूरेट एंड रिटन कम्युनिकेशन मेक श्योर इट इज फ्री एंड ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरियस। क्या लिखा हुआ है चेक द इंफॉर्मेशन, सॉलिड में आपको जब आ जाए लिखना है सेवन सी एस में तब आपको क्या लिखना है चेक द इंफॉर्मेशन, आपने जो इंफॉर्मेशन लिखा है जो मैसेज लिखा है व्हाट्सएप पर जो मैसेज लिखे है आपने ईमेल पर वो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। चेक द इंफॉर्मेशन यू आर गिविंग द एक्यूरेट, तो याद रखिए कि एक्यूरेट इसमें एक वर्ड याद रख लीजिए क्या है एक्यूरेट, एक्यूरेट मैसेज, योर मैसेज क्या होना चाहिए एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। एंड रिटन कम्युनिकेशन ये कहां होना चाहिए, और फिर जो आप अगर कोई लिख के बात कर रहे हैं इन रिटन कम्युनिकेशन में अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए ग्रामेटिकल मिस्टेक को आप इस और स्पेलिंग एरियस को चेक करना है, क्या करना है इसमें ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल और स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग एरियस, ठीक है, ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरियस। आप जूम कर लीजिएगा तो आपको दिखाई देगा, नोट्स को हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। चेक द टेक्निकल पार्ट ऑफ योर कॉन्टेंट मेक सेंस एंड द पर्सन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, ये भी चेक कीजिए कि आप जो बातें लिख रहे हैं तो जिस चीज के लिए लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट बात उसमें लिखी हुई है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद है कॉन्सिस्टेंस, ठीक है, कॉन्सिस्टेंस, तो इसमें लिखा हुआ है मेक श्योर योर मैसेज फ्लो वेल एंड प्रेजेंटेड लॉजिकली ऑल द पॉइंट मेक योर शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक एंड शुड हेल्प योर एकॉम्प्लिश द ऑब्जेक्ट। तो आपका जो आपने जो बातें लिखी है वो तर्कपूर्ण है कि नहीं, ठीक है, वो लॉजिकली है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, ठीक है, कोशिश में ही लिखना है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कंप्लीट, मेक श्योर, इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट में मेक श्योर द रिसिपिएंट एवरीथिंग और सी नीड द अंडरस्टैंड योर मैसेज एंड टेक एक्शन इफ नेसेसरी, ठीक है। बोलता है मेक श्योर The recipient have everything he or she need to the understand your message and take action if necessary. तो ये sure करें कि जो आपका जो message जिसको आपको भेजे उसने अच्छी तरह से समझा के नहीं और उस पर उसने action लेना उस पर जवाब देना necessary समझा के नहीं। If action is needed, make sure your message included call to action. Also make sure and specific details are clear. And included ये लिखा हुआ है और लास्ट है पोलाइट, आपका मैसेज जो होना चाहिए पोलाइट होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि एकदम ऐसा नहीं कि तुम ताम करके मैसेज लिखे हुए हैं, ठीक है, नम्र भाव से आदर देते हुए इस तरह का मैसेज आप अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपका बहुत अच्छा होगा। ये एक शॉर्ट हम बताएं, फिर एक बार इस पर एक कम्युनिकेशन स्किल पर कल जो हमारा लाइव क्लास आएगा इस पर हम पूरा डिटेल में नोट्स को लेकर आपको समझाएंगे, लेकिन ये 7 पॉइंट आपके दिमाग में याद रहना चाहिए कि 7 सीएस क्या है, क्लियरिटी, शॉर्ट, सॉलिड, करेक्ट, कंसिस्टेंस, कंप्लीट और पोलाइट। तो अगले क्लास में हम लोग जो मिलेंगे तो इसका नोट्स रहेगा जो हमने ऐप पर डाला हुआ है और वह नोट्स जो है आपको हम
लाइन बाय लाइन समझाएंगे ताकि आपके दिमाग में अट जाए, लेकिन उसके पहले ये सात चीज आप लोग जरूर लिखकर हमारे ऐप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर सबमिट करें। आप अगर हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं तो, और जो बच्चे नए देख रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, आप जानते हैं कि आपको यूजी सेमेस्टर 3 में जो है स्पोकन इंग्लिश सभी बच्चों को पढ़ना है, उसमें और सब्जेक्ट है लेकिन सबसे अच्छा आसान सब्जेक्ट यही है स्पोकन इंग्लिश। उसमें और भी और आप सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन स्पोकन इंग्लिश सभी को पढ़ना है तो हम उसी को सजेस्ट करते हैं, इसी का लाइव क्लास है। आप उसमें और भी है तो उसको आप सेलेक्ट करते हैं तो उसका भी मिलेगा क्लास, लेकिन लाइव क्लास नहीं मिलेगा, नोट्स मिलेगा, लेकिन अधिकतर बच्चे इसी को रख रहे हैं क्योंकि स्पोकन इंग्लिश जब तक आप अभी अगर आप छोड़ देंगे, अभी अगर आप अपने सेमेस्टर 3 में सिलेक्शन नहीं करेंगे तो बीए करने के बाद जो प्रॉब्लम्स आएंगे ना आपको, किसी कंपनी में गए थोड़ा सा अंग्रेजी बोलना होगा, थोड़ा सा इसमें वो सब स्किल्स है ना इस सिलेबस में जो कि आप सीखेंगे तो आपके करियर में काम देंगे, इसलिए मैं इसका लाइव क्लास आप तक लेकर आया हूँ। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा और आगे भी इस तरह की क्लासेस हमारे यूट्यूब पर और SKG ज्ञान ज्योति ऐप पर तो रहेंगे ही रहेंगे कंप्लीट क्लासेस, लेकिन यूट्यूब पर कुछ हम डेमो क्लासेस छोड़ेंगे जो आपको ये वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट क्लासेस सेकंड क्लास है फर्स्ट क्लास कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके हम पहले वीडियो दे चुके हैं, ये सेकंड वीडियो है जो आपको देख रहे हैं। अगर आप इसका क्लास चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप लिंक से जाकर डायरेक्ट क्लास प्लस में हमारे ऐप पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आप कोर्सेस को ले सकते हैं। ये सिंगल में भी अवेलेबल है और कंप्लीट कोर्स के भी अंदर अवेलेबल है। ओके बाय बाय। एक मैसेज आया हुआ है, नहीं SEM 3 का है सिद्धांत, SEM 3 का है।